द रॉन्ग वे टू द सीलिंग मैजिक के पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने उस डार्क नाइट को देखा था जो कि काजुकी और सुजुने के ऊपर हमला करके उनकी बुरी हालत कर देता है। और अब इस एपिसोड के अंदर हम लोग को थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजुकी और सुजुने अभी अर्थ पर है। काजुकी सुजुने से कहते हैं कि तुमने सक्सेसफुली स्कूल के रेगुलेशन के अंदर चेंजेस ला दिए हैं, काफी अच्छा किया। तो सुजुने उसे कहती है कि ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि तुमने डॉक्यूमेंट्स तैयार करे थे। तो काजुकी कहते हैं नहीं, मुझे पता है कि टीचर तुम पर काफी विश्वास और एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ऐसा बोलने के बाद काजुकी कहते हैं कि मैं क्लास में अपना बैग भूल गया, मैं उसे लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर काजुकी चला जाता है। वहीं पर अब सुजुने सोच रही होती है क्या सभी टीचर्स मुझ पर विश्वास और एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जिसके बाद अब वो स्कूल से बाहर जा रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर उसे उसातो मिलता है जो कि बारिश के रुकने का वेट कर रहा था। सीना वापस प्रेजेंट का आता है। सुजुने अब कहने लगती है कि उस दिन मैं काफी ज्यादा लकी थी कि मैं तुमसे मिली, यानी उसातो से। सुजुने अब कहती है कि जब मैं इस वर्ल्ड के अंदर समो नहीं थी तो मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी। मैं बस हमेशा ये सोचती थी कि मैं एक शुरू से शुरुआत कर रही हूँ, पर उसातो तुम अलग थे। तुम्हें अच्छे से पता था कि तुम्हें क्या करना है जिससे कि तुम इस दुनिया में रह सको। सबसे ज्यादा जो चीज मुझे तुम्हारे बारे में पसंद आई वो ये थी कि तुमने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया जैसे मैं हूँ। मैं काफी खुश हूँ कि तुमने उस झूठी सुजुने को जो कि अर्थ पर थी उसे एक्सेप्ट नहीं करा बल्कि मुझे एक्सेप्ट किया, यानी जैसे मैं हूँ तुमने वैसे मुझे एक्सेप्ट किया। मुझे लगा था कि अगर तुम और काजुकी मेरे साथ होंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, पर मुझे माफ कर दो मैं हार गई। सुजुने भी अब नीचे गिर जाती है जिसे देखकर डीमस कहते हैं कि ब्लैक नाइट जीत गया। हम लोग अब ब्लैक नाइट को देखते हैं जो कि सुजुने से कहने लगता है कि मुझे थोड़ा समझ आया लेकिन अब यही तुम्हारा अंत है। वह सुजुने को खत्म करने वाला होता है लेकिन तभी वहां पर उसातो काफी तेजी से दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मेरे होते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उस ब्लैक नाइट को काफी जोर से मुक्का मार के काफी पीछे गिरा देता है। जिसके बाद अब उसातो देखता है कि उसके दोस्त तो अब मारे जा चुके हैं। वो देखकर वो सोचने लगता है कि मैं टाइम पर नहीं पहुंचा, लेकिन तभी वो देखता है कि काजुकी अभी भी सांस ले रहा है। ये देखकर अब उसातो जल्दी से उन दोनों को हील करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से सुजुने को अब होश भी आ जाता है। वो उसातो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम लोग उस ब्लैक नाइट को देखते हैं जो कि खड़ा हो जाता है। उसातो के मुक्के की वजह से उस ब्लैक नाइट का हार्मा उसके फेस से हट जाता है और हमें पता चलता है कि ब्लैक नाइट एक लड़की है। वो उसातो से कहने लगती है कि तुमने जो मुक्का मारा उससे मुझे काफी दर्द हुआ, आखिर तुम कौन हो। ऐसा बोलने के बाद अब वो वापस से अपने चेहरे को ढक लेती है। वहीं पर ये सब देखकर सुजुने काफी शॉक होती है और अब ब्लैक नाइट काफी तेजी से उसातो के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है। इसे देखकर उसातो काजुकी और सुजुने को उठा लेता है और वहां से ले जाने लगता है। एक डीमन भी उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है पर उसातो छलांग लगाकर उसके अटैक से बच जाता है। वो डीमन अभी उनका पीछा कर रहे होते हैं लेकिन बाकी सोल्जर्स आकर अब उन डीमन को रोक लेते हैं। अगले सीन में अब उसातो दौड़ रहा होता है और कहते हैं कि काजुकी की चोट अच्छे से हील होने वाली है, वो भी थोड़े समय में जाग जाएगा। जिसके बाद सुजुने उसातो से कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी अचानक से ब्लैक नाइट अपनी तलवार को उनकी तरफ फेंक देता है और अब उसातो को साइड में हटना पड़ता है। वो तलवार के अटैक से बाल बाल बच जाते हैं। उसातो अब कह रहा होता है कि मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे बाकी सोल्जर्स को भी हील करना है। तभी सुजुने उसे कहती है मेरी बात सुनो, तुम्हारा जो अटैक है वो ब्लैक नाइट के ऊपर काम कर रहा है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ब्लैक नाइट का जो आर्मर है वो माना से बना हुआ है और जो भी बंदा उसके ऊपर हमला करता है उसके अटैक वापस से उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये सुनकर उसातो कहते हैं कि ये तो चीटिंग है। तो सुजुने उसे कहती है हाँ लेकिन तुम्हारा जो पंच है वो उस ब्लैक नाइट के ऊपर काम कर रहा है, वो कौन सा अटैक था। तो उसातो अब उसे उस अटैक के बारे में बताने वाला होता है लेकिन तभी ब्लैक नाइट आकर अपनी तलवार को उठा लेती है और उसातो से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे ऊपर अभी अभी कौन सा हमला किया लेकिन मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। ये सुनकर उसातो मन में सोच रहा होता है कि सच बताऊं तो मुझे नहीं लड़ना है लेकिन क्योंकि ये ब्लैक नाइट रास्ते में है तो मैं सभी को नहीं बचा पाऊंगा, मुझे इससे लड़ना होगा। ऐसा बोलने के बाद उसातो ब्लैक नाइट से लड़ने के लिए आ जाता है और वो सुजुने से कहते हैं कि काजुकी के साथ रहना, मैं इतने इस ब्लैक नाइट को रोकूंगा। ऐसा बोलने के बाद उसातो उस ब्लैक नाइट के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। तो ब्लैक नाइट भी उसातो के ऊपर हमला कर देती है। ये देखकर उसातो कहते हैं कि इस ब्लैक नाइट का आर्मर तो मॉर्फ कर सकता है, वो भी अपनी इच्छा से, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरे ही अटैक मुझे वापस लगे तो मैं अपने आप को हील कर लूंगा। ऐसा बोलने के बाद उसातो लात मार के उसके अटैक को रोक देता है। वो देखकर उसातो हैरान हो जाता है और कहते हैं कि मेरे अटैक मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या इस ब्लैक नाइट का माना खत्म हो गया है। इसी तरीके से अब उसातो उसके सारे अटैक्स को अपने हाथों से ही रोक रहा होता है। ये देखकर ब्लैक नाइट भी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिरकार ये तुम्हें कैसे कर रहे हो। वहीं पर अब उसातो को भी नहीं पता होता है कि वो ये कैसे कर पा रहा है लेकिन अब वो जाकर ब्लैक नाइट के ऊपर काफी जोर से मुक्का मारता है जिससे कि वो उस ब्लैक नाइट के आर्मर को भी डैमेज कर पा रहा होता है। ब्लैक नाइट अब उसातो के ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और खतरनाक हमले करती है। तो अब उसातो भी अपने हाथों से उसके सारे अटैक्स को रोक रहा होता है। ये देखकर सुजुने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि काजुकी को होश आ जाता है और पूछता है कि क्या चल रहा है, क्या उसातो ने मेरी चोट को हील कर दिया है। तो सुजुने कहती है हाँ, उसातो ने हमारी जान बचा ली है और इस समय पर वो उस ब्लैक नाइट से लड़ रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि उस ब्लैक नाइट का एक अटैक उसातो के हाथ में लग जाता है लेकिन ब्लैक नाइट का जो अटैक होता है वो पिघलने लगता है और उसातो के हाथ में भी कुछ नहीं होता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और कहते हैं कि मेरे ऊपर इन अटैक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। वो देखकर सुजुने कहती है कि लगता है उसातो के अटैक्स के ऊपर रिफ्लेक्शन काम नहीं कर रहा है। तो काजुकी उसे पूछता है कि उसातो कॉन्स्टेंटली अपनी हीलिंग स्टेट के अंदर क्यों है। मुझे पता है कि ऐसा वो इसलिए करता है जिससे कि वो लगातार अपने आप को हील कर सके थकान से भी।
भी या फिर चोट को भी, लेकिन इस तरीके से तो वो अपने दुश्मन को ही हील कर रहा है, वो भी हर हमले के साथ साथ। ये सुनकर सुजना समझ जाती है और कहती है कि कहीं इस ब्लैक नाइट की कमजोरी हीलिंग मैजिक तो नहीं है। हम लोग अब उस हाथों को देखते हैं जो कि काफी पावरफुल सा हीलिंग पंच बनाता है और इस ब्लैक नाइट के ऊपर मार के उसे काफी ज्यादा दूर गिरा देता है। सुजना भी अब समझ जाती है और कहती है कि उस हाथों के जो अटैक है वो रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि उस हाथों ने अपने हाथ को हीलिंग मैजिक से इन्वॉल्व कर रखा है, तो जो भी इंजरी उसे हो रही है वो इमीडिएटली हील हो जा रही है। और जो डैमेज ब्लैक नाइट को मिल रहा है वो उस हाथों के मुक्के की ताकत है जो कि उस ब्लैक नाइट को डैमेज कर रहा है। उस हाथों का अटैक उसे कोई भी चोट नहीं दे रहा है बल्कि ये अटैक उसके लिए काफी ज्यादा पेनफुल है। ये तो काफी कमाल का है, ये तो डेफिनेटली हीलिंग मैजिक यूज करने का गलत तरीका है, यानी द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। मैं पर ब्लैक नाइट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिरकार मुझे डैमेज कैसे मिल सकता है। वो अब काफी गुस्से में और ज्यादा पावर अप हो जाती है, इसकी वजह से उस हाथों भी पीछे जाकर गिर जाता है। ब्लैक नाइट अब अपनी तलवार को काफी ज्यादा बड़ा कर लेती है और उस हाथों से कहती है कि ये सारी गलती तुम्हारी है। उस हाथों पीछे आता है और देखता है कि काजुकी और सुजने तो अब ठीक है और काजुकी भी जाग चुका है। वो अब उन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इस लड़ाई को यहीं पर अभी खत्म कर दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये ब्लैक नाइट किस तरीके का मैजिक यूज कर रही है, पर मुझे जो करना है वो इससे चेंज नहीं होगा। मुझे बस मेक श्योर करना है कि ये नाइट और किसी को चोट ना पहुंचाए। ऐसा बोलने के बाद उस हाथों उस नाइट के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। वहीं पर वो नाइट भी अपनी तलवार के साथ उस हाथों के ऊपर हमला करने के लिए आती है और अब दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। उस हाथों को अब काफी ज्यादा पावर लगानी पड़ती है पर वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता है और अब उस ब्लैक नाइट की तलवार को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और अब उस ब्लैक नाइट के ऊपर काफी जोर से मुक्का मारता है जिससे कि वहां पर एक काफी तेज रोशनी आती है। उस रोशनी को दूर से रोज भी देख पा रही होती है। हम लोग अब देखते हैं कि उस हाथों की हीलिंग मैजिक की वजह से उस ब्लैक नाइट का जो आर्मर है वो अब गायब हो जाता है। इस तरीके से उस हाथों ब्लैक नाइट को हरा देता है और कहते हैं कि मैंने कर दिखाया, ये थी मेरी हीलर टेक्निक द अल्टीमेट हीलिंग पंच। अगले सीन में हम लोग उस हाथों को देखते हैं जो कि बाकी शोल्डर्स को अब हील कर देता है। सभी लोग उसका शुक्रिया करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। तो उस हाथों कहते हैं कोई बात नहीं, रेस्क्यू टीम का मेंबर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी थी। जिस पर वो शोल्डर उसे कहते हैं कि तुमने बस हमारी जान नहीं बचाई बल्कि तुमने इस ब्लैक नाइट को भी हरा दिया। इसे देखकर बाकी डीमंस डर के मारे भाग गए। तभी सुजने भी वहां पर आकर उस हाथों से कहती है कि ये शोल्डर सही कह रहा है, अगर तुम जीतते नहीं तो और काफी सारे लोग इंजर्ड हो जाते। वो अब उस शोल्डर से कहती है कि जाकर तुम अब रेस्ट करो। ये सुनकर वो शोल्डर अब रेस्ट करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद सुजने उस हाथों से कहती है कि तुम्हारा जो अटैक था वो काफी कमाल का था, आखिर वो हीलिंग पंच किस तरीके का मूव था मुझे ये बताओ। तो उस हाथों कहते हैं कि वो इतना खास नहीं था, बस मैंने अपने पंच को अपने हीलिंग मैजिक से इम्ब्यून कर दिया था। ये चीज करना रोज ने मुझे सिखाया था, जिसके बाद हम लोग को वापस पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज ने उस हाथों से कहा था कि मैं तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक सिखा रही हूँ। वो उस हाथों से कहती है कि अगर तुम्हें दुश्मन को सही में खत्म करना है तो अपने हीलिंग मैजिक को अपने मुक्के में इम्ब्यून कर देना। जब तुम उन्हें पंच मारो तो बस तुम उन्हें हील कर देना, इससे तुम अपने अपोनेंट को जान से नहीं मारोगे बल्कि तुम उन्हें बेहोश कर दोगे। सीनियर प्रेजेंट कहते हैं उस हाथों कहते हैं कि इस अटैक से दुश्मन इंजर्ड नहीं होंगे बल्कि उन्हें दर्द होगा और बिना मरे बस बेहोश हो जाएंगे। वो सुनकर सुजने कहती है कि ये कैसा ही अटैक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो तुम्हारे हीलिंग पंच ने मुझे और काजुकी को मरने से बचा लिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो साथ कहते कोई बात नहीं, ये तो मुझे करना ही था क्योंकि काजुकी और आप मेरे काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो। ये सुनकर सुजने खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर काजुकी आता है और सुजने को बताता है कि वो जो स्नेक मॉन्स्टर है वो फ्रंट लाइन में आ गया है। ये सुनकर सुजने कहती है तो इसका मतलब अब हम लोग को उस स्नेक मॉन्स्टर से लड़ने जाना होगा। वो अब जा ही होते हैं तभी साथ भी कहते हैं कि मैं भी तुम लोग को ज्वाइन करता हूँ। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और साथों को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मैंने सुना तुमने हीरोज को मरने से बचा लिया, क्या चल रहा है मुझे सब बताओ। ये सुनकर उसातो अब उसे सारी बातें बता देता है। रोज भी अब उस ब्लैक नाइट को देखकर कहती है ओ तो ये है वो ब्लैक नाइट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने हर चीज को संभाल लिया। तो साथ कहते हैं हाँ माफ करना, जिस पर अब रोज कहती है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने हीरोज को बचाया और साथ में एक दुश्मन को पकड़ लिया और साथ में तुमने दुश्मनों को भी डरा दिया। अब समय आ गया हम लोग को अपने कैंप में वापस जाना होगा। तो साथ पूछते हैं क्यों, जिस पर रोज बताती है कि जो बैटलफील्ड है अभी वो अंडर कंट्रोल में है, जब तक डीमंस कोई ट्रम्प कार्ड प्ले नहीं करते हैं तब तक चीजें ठीक रहेगी, अगर हम लोग इधर से उधर दौड़ते रहेंगे तो हम लोग रस्ते के बीच में आएंगे, इसलिए हमें चलना होगा। ये सुनकर सातो मान जाता है और अब वो काजुकी और सुजने को आकर बताता है कि मैं अपनी कैप्टन के साथ वापस जा रहा हूँ। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है और शुक्रिया वैसे हमारी मदद करने के लिए। तो सातो कहते हैं ठीक है तुम लोग बस मरना मत क्योंकि तुम लोग हीरोज हो, तो दुश्मनों को हरा कर सेफली वापस आना। तो सुजने कहती है ठीक है तुमने हमारी जान बचाई है तो उस जान को हम लोग सेफ रखेंगे। उस सातो अब काजुकी के साथ फिस्ट बम्प करता है और अब वहां से चला जाता है। उस सातो अब रोज के साथ जा रहा होता है तभी रोज उसे कहती है कि तुमने काफी अच्छा किया कि तुम जिंदा रहे। इस बात को सातो अच्छे से नहीं सुनता है और वो रोज से पूछता है कि तुमने कुछ कहा क्या, जिस पर रोज कहती है नहीं। इसके बाद वो लोग कैंप में चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग मिला को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि ब्लैक नाइट को कैप्चर कर लिया गया है। एक डीमन उसे बताता है कि देखा गया है कि ब्लैक नाइट को कम्प्लीटली हरा दिया गया। एमिल अब काफी हैरान होती है और कहती है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि कोई ब्लैक नाइट के मैजिक को हरा सकता है, क्या उसे हराने वाले कोई हीरो थे। तो अब वो डीमन कहते हैं नहीं, वो एक पर्सन था जिसने व्हाइट यूनिफॉर्म पहन रखी थी, शायद से वो रेस्क्यू टीम का एक मेंबर था। ये सुनकर एमिला घबरा जाती है और कहती है कि क्या वो रोज थी, जिस पर वो डीमन कहते हैं नहीं, ब्लैक नाइट को हराने वाला कोई यंग लड़का था।
था। एमिला अब हैरान हो जाती है और कहती है, क्या रोज की तरह ही कोई एक और पर्सन है। एमिला अब हिली रुक से कहते है की बलजीना को वापस बुलाओ, हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं। वो सुनकर हिली रुक कहते हैं, क्या तुम सीरियस हो? तो एमिला कहती है, हाँ इस सिचुएशन में मैं खुद जाकर लड़ सकती हूँ, लेकिन हमारे सोल्जर्स बेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी सबसे खतरनाक दुश्मन कमांडर सिग्लेस बचा हुआ है, कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है। तो हिली रुक कहते हैं, हाँ हमारी साइड में कोई भी हीलर नहीं है तो हम लोग हार ही जाएंगे, ठीक है मैं सभी लोगों को रिट्रीट करवा लेता हूँ। तभी हिली रुक देखता है कि उसका जो स्नेक मॉन्स्टर है उससे हीरोज लड़ने के लिए आ गए हैं। वो ये बात एमिला को ही बताता है। अगले सीन में हम लोग सुजाने को देखते हैं जो कि कहती है कि हम लोग अपने आप को शर्मिंदा नहीं कर सकते हैं। तो काजुकी कहते हैं, हाँ जैसा उसातो ने कहा था, हम लोग इस मॉन्स्टर को हराएंगे और घर जाएंगे। इसी तरीके से वो लोग उस स्नेक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग रेस्क्यू स्क्वाड को देखते हैं जो कि अपना काम काफी अच्छे से कर रही है और काफी सारे सोल्जर्स को हील कर रही है। तभी उसातो बाकी सभी लोग आसमान में सुजाने के लाइटनिंग मैजिक को देखते हैं और पता चलता है कि काजुकी और सुजाने ने उस स्नेक मॉन्स्टर को हरा दिया है। अगले सीन में उसातो अब एक बंदे को हील कर रहा होता है, तभी रोज आकर उसे बताती है कि अब हम लोग रैप अप कर रहे हैं, यानी दुश्मन वापस जाने लगे हैं। ये सुनकर उसातो कहता है कि क्या हम लोग उनका पीछा करें? तो रोज कहती है, नहीं डीमंस काफी ज्यादा हैं, हमें कम से कम कैजुअलिटीज रखनी होगी और अगले अटैक के लिए तैयार रहना होगा। ये सुनकर उसातो कहते हैं, क्या एक और हमला होगा? तो रोज कहती, हाँ ज्यादा चांसेस तो हैं कि एक और हमला होगा। तभी एक मेंबर उसातो को एक बंदे को हील करने के लिए बुलाता है। उसातो अब जा ही रहा होता है तभी रोज कहती है कि मैं इसे संभाल लूंगी। ऐसा बोलने के बाद अब वो उस बंदे को जाकर हील करने लगती है। रोज अब उसातो से कहती है कि ये बात कहना बिल्कुल सही है कि हम लोग इस बैटल को इसलिए जीत पाए क्योंकि तुमने हीरोज को बचाया। तो उसातो कहते हैं कि अगर मैं उनके पास पहुंच नहीं पाता तो तुम वैसे भी आकर उन लोगों को बचा लेती, तो मैं तो कुछ भी नहीं करा। तो रोज उसे कहती है, नहीं हीरोज पक्का मर ही जाते, तुमने उन्हें बचा लिया, मेरी या फिर सिग्लेस की वजह से नहीं, हम लोग इस बैटल को तुम्हारी वजह से बिल्कुल इतना जल्दी नहीं जीत पाते, तुम्हारे बिना हम लोग हार ही जाते, तुमने बिल्कुल वैसे परफॉर्म किया जैसा एक रेस्क्यू टीम के मेंबर को करना चाहिए, तुमने काफी अच्छा किया उसातो। ये सुनकर वो उसातो अपनी पास्ट की मेमोरीज याद करता है कि किस तरीके से वो इस वर्ल्ड के अंदर आया और रोज से मिला और साथ में अपने स्क्वाड से मिला और जिसके बाद वो ट्रेनिंग करने के लिए गया, उसे कितने सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उसातो अब हर एक्सपीरियंस को याद करता है जो कि उसने इस वर्ल्ड में आने के बाद एक्सपीरियंस किए थे। वो सब कुछ याद करने के बाद उसातो की आंखें भर आती है, जिसे देखकर उसातो उसका मुंह ढक देती है और कहती है कि तुम तो एक बच्चे हो। तो उसातो कहते हैं, नहीं मैं 17 साल का हूँ, लेकिन सच बताऊं तो बैटल फील्ड में मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, डीमंस काफी खतरनाक थे, मैंने काफी सारे लोगों को मरते हुए देखा, लेकिन मैं काफी खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला, मैं काफी खुश हूँ कि मैं लोगों की मदद कर पाया। ये सुनकर रोज उसे कहती है कि मैं पहले कुछ लोगों को जानती थी जिन्होंने बिल्कुल यही कहा था जो कि तुम कह रहे हो, लेकिन वो सभी लोग अब मेरी मेमोरीज में है क्योंकि वो सभी मारे जा चुके हैं, लेकिन तुम मेरे साथ हो उसातो, तुमने काफी अच्छा काम किया कि तुम जिंदा वापस आ गए। ये सुनकर उसातो भी खुश होता है और कहता है हाँ। तभी अचानक से उसे काफी थकान फील होती है और वो रोज के कंधों पर ही सो जाता है। ये देखकर रोज उसे कहती है कि लगता है तुम्हारा माना और स्टेमिना दोनों ही खत्म हो गया, तुम बैटल में काफी अच्छे से टिके रहे उसातो, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म एंड, क्योंकि फाइनली मेरी तबीयत अब ठीक हो चुकी है तो वीडियोस टाइम टू टाइम आएंगी, आई होप सो आ जाए। वेल आई विल ट्राई माई बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।